देख अपन बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया होगा कि क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। देखो मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट जो हमको बैटरी से मिलती है ना, बैटरी से सेल से हमको जो मिलती है उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट की एक खास बात होती है कि ये यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल करंट का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ। देखिए इसका डायरेक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होता है। अगर मैं इसको ग्राफ पे बना के बताऊं ना, तो इसका ये भी एक क्या है, ये भी एक डायरेक्ट करंट है। देखो इसका इसका डायरेक्शन कभी भी उल्टा नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं एसी का, तो एसी का जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे बनता है। एक बार प्लस है, एक बार क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर बार प्लस ही है, मतलब एक ही डायरेक्शन है। प्लस वाले वायर से प्लस जाएगा और माइनस वाले वायर से माइनस जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट, और हम बोलेंगे कि फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन ओनली। देखो कभी कभी ना डायरेक्ट करंट को हम ऐसे भी बताते हैं, ऐसे। ये भी डायरेक्ट करंट है। इसमें क्या है, इसमें इसमें वोल्टेज कॉन्स्टेंट है। यह वोल्टेज अपॉन टाइम, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ घट रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रहा है। सही बात है। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है? देखो तो पुनीत, ये हो सकता है? हाँ सर, हो सकता। बिल्कुल, देखो ना अल्टरनेट तो हो जा रहा है। अगली बार यहाँ पे ऊपर में प्लस था, यहाँ नीचे आके माइनस हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये तो इसके ग्राफ की बात है, ये तो इसके ग्राफ की बात चल रही है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट को ना हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। जैसे बैटरी लगाते हो तो आप क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो। तो वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट का जो ये रहेगा, वोल्टेज बताने का जो तरीका है, ये है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एसी सोर्स। अब एसी सोर्स भी कभी कभी करंट सोर्स भी दे देता है, कभी कभी वोल्टेज सोर्स देता है, लेकिन दोनों का तरीका यही है। ओके, अब बात आती है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये तो बार बार बदल जा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि ये वाला यहाँ पे फिर से बना देते हैं कि ऐसे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे जब टाइम मान लीजिए 1 सेकेंड था, तो वोल्टेज इतनी थी। जब 2 सेकेंड हुआ तो वोल्टेज कुछ और हो गया। देखो फिर हम बोले कि अच्छा 4 सेकेंड हुआ तो वोल्टेज कुछ और हो गया। तो हम बोले फिर हम इसका वोल्टेज कैसे लें, कौन सा वोल्टेज है? अगर हमको बोले कि ओवरऑल एसी का कितना वोल्टेज आ रहा है, जैसे घर में हमको बताया जाता है कि 220 वोल्ट आता है, सही है? तो क्या हमेशा 220, तो क्या हमेशा 220 ही रहेगा? जवाब है नहीं। 220 कौन सा है? तो हम बोलते हैं एक एवरेज टाइप की चीज है। ध्यान रखिएगा, एवरेज टाइप बोल रहा हूँ, एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज टाइप की चीज है। कुछ किए होंगे, एवरेज निकाल लिए होंगे। तो क्या कभी भी घर में जो आपका वोल्टेज आता है 220 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 220 से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप तो एवरेज लिए हो ना, एवरेज जैसा चीज लिए हो। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई एवरेज कैसे निकालते हैं। तो पहली पहला जो हेडिंग है हमारा, कि वो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, करंट की एवरेज वैल्यू या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए आपने सर, पढ़ा सर था, डीसी में एक ही साथ आता सर, डीसी में डायरेक्ट करंट में एक ही जैसा वोल्टेज आता। डायरेक्ट करंट में डिपेंड करता है कि कैसा डायरेक्ट करंट है। जैसे हम ना डायरेक्ट करंट बनाते भी हैं कभी कभी। जैसे आपको पता होगा, आपका जो एडेप्टर है जिससे मोबाइल चार्ज करते हो, वो क्या करता है, वो आपके करंट को, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो क्या ये जो डीसी बना है, क्या इसमें कॉन्स्टेंट करंट आती है? जवाब है नहीं। क्या है? नहीं। तो क्या बैटरी से जो 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 जैसे हम बैटरी लगा दिए, मान लो दो पेंसिल वाली बैटरी लगा दी, तो क्या कांस्टेंट करंट आती है? जवाब है हाँ। समझ लो क्या गड़बड़ी है। जब भी आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो ना, तो वो प्योर डीसी नहीं बन पाता। प्योर डीसी ऐसा होता है, प्योर डीसी का ग्राफ है, क्या लिख रहा हूं, या प्योर डीसी का सबसे ग्राफ पहले ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा प्योर डीसी। ये कैसा डीसी है, ये वाला? ये हम बोलते हैं ये डीसी ऐसा है ना जिसमें कि एसी मिक्स है। ठीक है, अगर एक डीसी डीसी वोल्टेज में एसी जितना पार्ट मिक्स है, उसको बोलते हैं रिपल।
एक नया टर्म आगे जाके बताऊंगा जिसको बोलता है रिपल। रिपल क्या होता है तो हम बोलेंगे कि द कंपोनेंट ऑफ एसी मिक्स्ड इन डीसी इज कॉल्ड रिपल। रिपल फैक्टर आगे जाके आपको पता करना रहेगा कि रिपल फैक्टर क्या होती है। ठीक है, जब भी हम वोल्टेज की बात करते हैं ना, जैसे जैसे मान लीजिए हम माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइक यूज कर रहा हूँ, मान लो ये माइक यूज कर रहा हूँ मैं, जो जो मैं पहना हुआ हूँ, तो ये कैसा करंट जाता है क्या सर? बेटा ये सिग्नल ही तो करंट होते हैं। ठीक है, जहां जहां भी आप डिवाइसेज यूज कर रहे हो, चाहे आपका कैमरा हो, चाहे आपका ईयरफोन हो, चाहे आपका माइक्रोफोन हो, हर जगह बेसिकली करंट ही फ्लो होता है, हर जगह। आप बोलते हो ना आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज क्या होता है? कुछ नहीं, आवाज एक सिग्नल है। मैंने एक बार बताया था आपको कि आवाज एक सिग्नल है जिसको हम रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं वोल्टेज के टर्म में। ठीक है, हम बोलते हैं कि वोल्टेज में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है भाई, वो बता दो, क्योंकि हम वोल्टेज को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। आवाज आवाज हमारे पास रिकॉर्ड करने का कोई डिवाइस नहीं होता। तो बोलते हो सर कि माइक क्या करता है फिर? वोल्टेज रिकॉर्ड करता है। समझाते हैं, देखो, सुन रहे हो आयुष क्या होता है? आयुष सर, देखो जैसे मैं, मान लीजिए हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस है, तो वो क्या रिकॉर्ड करता है? तो आप बोलोगे सर आवाज रिकॉर्ड करता है। वेव, वेव बेसिकली वो किस चीज का वेव? वेव किस चीज का वेव? जवाब है सर, लाइक जो करंट रहता है। हाँ, वही करंट पे आइए, क्योंकि हम बोलेंगे कि देखो जो हम आवाज निकालते हैं ना, उससे क्या होता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वायर में। अब वोल्टेज जब प्रोड्यूस होगा तो उस वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड। समझ में आया आपको? तो हर जगह जब भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जब भी हमारा कैमरा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं, उन सब में वोल्टेज और करंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, फिर रिप्रोड्यूस किया जाता है। Anyway, ये तो बहुत स्पीड से होता सर। हाँ, तो ये बहुत स्पीड में होता है, क्या दिक्कत है? आइए, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट का जो आपने बेसिक फॉर्मूला यही पढ़ा है ना कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, पढ़ा है? हम बोले कि सर यहाँ पे तो कौन सा चार्ज आप लोगे, करंट तो फ्लक्चुएट हो रहा है, कौन सा चार्ज ले भाई? यहाँ जैसे यहाँ तक चला तो चार्ज मान लो 10 चार्ज यहाँ तक चला, फिर जब यहाँ तक चला तो दो ही चार्ज आगे बढ़ा, फिर 8 चार्ज आगे बढ़ा, फिर मान लो फ्लक्चुएट हो गया, तो बोले सर कौन सा चार्ज लोगे सर, ये वाला चार्ज लोगे, यहाँ वाला कि यहाँ वाला कि यहाँ वाला, कहाँ वाला? तो हम बोलेंगे कि देखो एक काम करो, बहुत छोटा सा चार्ज लो, बहुत छोटा सा, हम बोलेंगे हाँ डीटी, और बहुत कम समय के लिए आप लोग। तो इस समय में क्या होता है कि चार्ज को मान लिया जाता है छोटे समय के लिए कि ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और छोटी सी चीज के लिए अगर लेंगे तो हम फ्लक्चुएशन को नहीं मानते हैं, तो हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू क्या होता है, डीक्यू बाई डीटी। ये कौन सा आई है? तो हम बोलेंगे एवरेज वाला आई, एवरेज। आई एवरेज जो होता है वो होता है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। ये क्या है? एवरेज। हम बोले अच्छा ठीक है, एवरेज का बात है, तो हम बोले कि एवरेज में आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू। क्यू चार्ज कैसे मिलेगा बेटा? तो हम बोलेंगे देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो क्यू की जगह पे क्या लिखना चाहेंगे आप, आई इंटू डी टी। और यहाँ पे बेटा डी टी, यहाँ पे क्या था, टाइम, टोटल टाइम कैसे मिलेगा? तो हम बोलेंगे छोटे छोटे टाइम को जोड़ दो, सही है? हम बोले ठीक है भाई, बढ़िया है ये। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि टाइम कहाँ कितना से कितना लेना है, बोलेंगे जीरो से टी समय के लिए, यहाँ भी जीरो से टी समय के लिए। बस बेटा यही है एवरेज का फॉर्मूला, ऊपर में क्या कीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए, नीचे में टाइम से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है टाइम टी आएगा। तो फाइनल आंसर इज आई इंटू डी टी जीरो से लेके टी, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया टी, यहाँ पे आ गया टी या डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन लिख दो, बाद में लिख देना मन करे तो टी। इस पे सवाल करवाएंगे हम आपको, ठीक है? चलो आओ, तो देखो एक सवाल दे देते हैं, सवाल बड़ा सिंपल है, बोलता है कि देखो इफ आई इज इक्वल टू 3t2, आई की वैल्यू दी हुई है, आई डिपेंड करता है टाइम पे, बोलता है फाइंड एवरेज एवरेज करंट इन 2 सेकेंड।
दो सेकेंड में कितना होगा एवरेज करेंट की वैल्यू? आइए सॉल्व करते हैं। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या तुमने देखा? आपने देखा कि आई डी टी, हाँ, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन। टाइम कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? जीरो से दो सेकेंड, जीरो से दो सेकेंड। अच्छा, आई की वैल्यू है थ्री टी स्क्वायर साथ में डी टी डिवाइडेड बाई टी का इंटीग्रेशन टी आता है बेटा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी आता है, और टू यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री होता है, सही है। मतलब थ्री थ्री कट गया, यहाँ पे टू है। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दे, अगर यहाँ पे करोगे तो एट बाई टू आ जाएगा, बराबर है ना। और बाद में जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा, मतलब आंसर इज फोर। फोर क्या? फोर एम्पियर। यह है एवरेज करंट। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आपसे पूछा तो आपको आ जाना चाहिए। देखिए, घर में जो हमारे पास जो एसी का सिग्नल आता है ना, वो उसका उसका जो वेव होता है, वेव फॉर्म जो होता है, वो ऐसे ऐसे बन के आता है। और ये एक क्या है? साइन वेव है, ठीक है। तो साइन वेव, तो हम क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे i नॉट साइन ओमेगा टी। ये v कौन सा v है? हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करो, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, पीक वैल्यू पुट करो, हम आपको किसी भी समय में बता देंगे कि उस समय पे, खास उसी समय पे वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी। जैसे मान लो इतने समय में आपने पूछा, तो हम बोलेंगे देखो ये वाला वैल्यू है। आपने पूछा सर यहाँ पे इस इतने टाइम पे कितना होगा, हम बोलेंगे ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे मिलता है, तो इसी फॉर्मूले से मिलता है। आई भी क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये V नॉट क्या है? V नॉट है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब समझ में आता है, ये वाला, ये पीक वैल्यू है बेटा। अगर ये वोल्टेज होता तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको V नॉट बोलते हैं। अगर ये करंट होता ऊपर में तो I नॉट बोलते हैं। तो ये क्या है? पीक वैल्यू है। I नॉट, V नॉट, ये सब क्या है? पीक वैल्यू। ठीक है, इस टाइप का जो वेव होता है, इस टाइप का जो वेव है, इसमें जो एवरेज होगा, एवरेज, ठीक है, एवरेज होगा किसके लिए, हम बोलेंगे फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है जीरो। क्यों? देखो ना, एक साइकिल मतलब यहां से लेके यहां तक, तो हम बोलेंगे मान लीजिए जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव भी है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे एवरेज हो जाएगा जीरो। तो फुल साइकिल के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू, हम बोलेंगे जीरो। वोल्टेज की भी क्या वैल्यू होगी, वोल्टेज भी अगर हम बात करें एवरेज की, जीरो होगी। किसके लिए? हम बोलेंगे फुल साइकिल के लिए। मतलब एवरेज से बात बना नहीं, अब क्या किया जाए? अब आप बोलोगे नहीं सर हमको ना प्रूफ करके बता दो सर, वो कहानी वानी हमको सुनने में मजा नहीं आता। चल तो फिर पुनीत मैं मारूंगा तेरे को। अरे सर सच में लग रहा ना। अच्छा तो ऐसा थोड़ी मैं हकला के बोलता हूँ। सर मिठाई को भी मार खाने बोलते भाई भाई बोलते दोनों मार खाएंगे बोलते। हाँ कैसा अजीब सा दिखूंगा मैं, मतलब बच्चों को मारते हुए। चल आज आप प्रूफ पार्ट पे आते हैं। देख मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बाद में एडिट करना पड़ेगा ये सब बात। सर एडिटिंग मत करो सर, ऐसे भेज देना सर, कुछ नहीं होता सर। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना सर, ग्रुप पे तो डाल देना। अरे बहुत बड़ा फाइल बनता है वो, व्हाट्सएप पे तो यार डाउनलोड करते करते परेशान हो जाएगा फिर। जीरो टू, देख यहाँ पे हम एवरेज निकालना चाहते हैं बेटा। एवरेज का फॉर्मूला तूने अभी अभी देखा था, क्या था? जीरो से लेके टी, टी कहाँ तक है, तो हम बोलते हैं फुल साइकिल। फुल साइकिल को कैपिटल टी लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हो? तो नीचे लिखते हो डी टी और यहाँ पे, बराबर। हम बोले आई, आई का मतलब क्या लिखें, तो हम बोलेंगे आई का मतलब होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में आ गया बेटा डी टी, इसका इंटीग्रेशन करनी है जीरो से लेके टी का। और नीचे क्या है? तो नीचे आ जाएगा टी, नीचे टी आएगा ना, डी टी का इंटीग्रेशन टी आता है, टी में अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। अच्छा चल और निकालते हैं। मुझे बता कि इसका अगर मैं आई नॉट, तो बेटा कॉन्स्टेंट है, पीक वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, तो आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बता दो क्या होता है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस
cos omega t upon omega t omega खाली omega ठीक है, और साथ में नीचे क्या है t है, और ध्यान रखिएगा आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा, लिमिट कितना है कैपिटल t और यहाँ पे बेटा सही है। चलो और आगे बढ़ते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो i नॉट तो बाहर ही रखो, यहाँ पे माइनस भी बाहर ही रखें क्या, cos omega t। अच्छा एक बात बता, cos omega मतलब क्या होता है, 2 pi upon t होता है, और इसके t के जगह पे क्या पुट करना है कैपिटल t, तो ये t t कट जाएगा। अगले बार में नीचे ओमेगा भी है, एक काम करो ओमेगा को भी बाहर ही रख ले, ओमेगा और t बाहर ठीक है, ये t नीचे का बाहर ओमेगा भी बाहर। यहाँ पे cos 0, अगर t के जगह पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे cos 0 आएगा। मुझे बता cos 2 pi कितना होता है, सोच समझ के बताना, cos 360 डिग्री क्या होता है, 0 नहीं, एक मिनट cos 360 मतलब cos 0 हो गया ना, तो 0 मतलब 1 हो गया, cos 0 क्या होता है 1 ना, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, फाइनली आंसर इज 0। यही तो हम लोग प्रूफ करना चाहते थे कि एवरेज जो होगा फुल साइकिल के लिए कितना होगा, 0 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ये नियम याद रखिएगा, करंट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की हाफ साइकिल में क्या वैल्यू होती है। आइए समझाते हैं, काम तो वही करेंगे हम लोग ठीक है, तो हम बोलते हैं आई एवरेज इसके लिए हाफ साइकिल, यहां पे भी लिख देता हूं हाफ साइकिल, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 से लेके टी तक, और यहां पे भी लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेके टी, टी कहां है इस बार, टी फुल साइकिल का नहीं है, इस बार हाफ साइकिल का, हाँ जी, तो टी बाई टू लिखने का मन करेगा तो करेंगे, अदरवाइज हम टी से ही समझ जाएंगे कि टी मतलब आधा है, साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू टी, और यहां पे आ गया डी टी को आप टी ही लिख दो ना, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया तो हमको पता है। फिर से वही कहानी आई कि आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और साथ में नीचे में क्या है टी है, और लिमिट वगैरह हमको पता है, लिमिट कितनी है, लिमिट है टी से 0 से टी, कितना आएगा बताओ तो एक बार, आई नॉट लिख देता हूँ, आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, और इसका माइनस भी बाहर ही रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2 पाई, नीचे टी भी आएगा ना, एक काम करना टी बाई टू ही रख ले ठीक है, टी बाई टू रख ले यहाँ पे ठीक है, टी बाई टू ही रख ले, उससे आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पे भी टी बाई टू हो जाएगा। चलो अब पुट करो क्या किया जाए बताओ, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि ओमेगा मतलब होता है 2 pi upon t, और टी का मतलब क्या, तो टी अपॉन टू, अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट कर बेटा, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो कॉस 0 ही कल आएगा वो। अब बताइए माइनस आई, यहाँ पे टी बाई टू था तो टू कहाँ गया, यहाँ का, यहाँ का 2 यहाँ चला गया होगा, तो हम बोलेंगे 2 i0 upon omega t, और यहाँ पे देख टी टी कट गया, ये और ये कट गया। अब बता cos pi क्या होता है, पता होगा आपको माइनस 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, 1 हाँ जी, तो अब बता कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है माइनस 2 i0 upon omega t ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 2 4 हो गया ऊपर में ठीक है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 i0 upon omega का मतलब होता है 2 pi upon t, यहाँ पे है बेटा t कट गया, 2 से ये कट गया, सो फाइनली 2 i0 upon pi आएगा कि नहीं, 2 i0 upon pi यही आंसर है, ये इसका आंसर याद रख लीजिएगा। एवरेज वैल्यू में क्या होता है, आई एवरेज फुल साइकिल के लिए होता है 0, आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए होता है 2 i0, ये सब याद रखना है आपको, अपॉन पाई, जल्दी से इसको करो मैं आता हूँ। जैसे तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आरएमएस वैल्यू, और ये आरएमएस वैल्यू बड़े इंपॉर्टेंट है,
मतलब हम इसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, एवरेज वैल्यू तो ऐसे ही खेलता। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर उसकी इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, वो एवरेज भी तो बढ़िया ही लग रहा था। देखिए बढ़िया लग रहा था, लेकिन एवरेज जो वैल्यू निकाला गया ना, ये बड़ा अजीब था। कैसे अजीब था? तो बोले कि हम कभी भी ना हम मैच ही नहीं कर पाते थे। मतलब एवरेज क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि देखो हम पांच लोग हैं, एक के पास एक की एज इतनी है, एक की एज इतनी है, और सबका एवरेज एज 20 है। तो एवरेज एज 20 है तो क्या हो गया कि और 20 का कोई है ही नहीं, समझ रहे हो? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल का एक बच्चा है और एक 50 साल का आदमी मैंने ले आया, हम बोले दोनों का एवरेज एज कितना है, तो आपने बोला 30। कैसे? दोनों का ऐड करके आपने बोला दो से डिवाइड कर दो, 30 आता है। अब आप मुझे बताओ 30 वाला जो एवरेज एज है उसके हिसाब से मैं दवाई दे सकता हूँ क्या दोनों को? नहीं, समझ में आ रही है? नहीं सर, वाला, अगर हम एवरेज एज निकाल के सोचो दोनों को दवाई दे दिए, ठीक है, तो बूढ़े के लिए वो काम नहीं करेगा, बच्चे के लिए भी काम नहीं करेगा, तो गड़बड़ बात है ये। तो हम बोले कि फिर ऐसे एवरेज का क्या फायदा जिसको निकाल के आप कुछ कर भी नहीं पाते हो? तो हम बोले नहीं नहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये जो सोचना था ना, जिससे कि एक बढ़िया एवरेज मिल पाए, एक ऐसा एवरेज जो बहुत लोगों से कनेक्ट करता हो, तो उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। याद रहेगा आपको ये बात? क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो अब देखिए मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करवाता हूँ आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले आप समझ लीजिए v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, v नॉट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे i इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो v है ये क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो i है ये क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, हम बोलते हैं आई आरएमएस जो होता है वो होता है बेटा आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे। क्या बोला है? देखो रूट मीन स्क्वायर, मीन को ना ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ऐसे। कोई बोले मीन लिखने के लिए तो ऐसे लिख दो, आई का मीन वैल्यू कितना आएगा, एवरेज वैल्यू कितना आएगा, तो हम बोलेंगे ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। हम इस बार किसका एवरेज निकाल रहे हैं, हम आई स्क्वायर का एवरेज निकाल के रूट से रूट लगा दे रहे हैं, मतलब मीन क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा ये निकलता कैसे, तो हम बोलेंगे कि इसका एवरेज निकालना है तो आप ऐसे कर लो कि आई नॉट का आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई ये वाला जो चीज है ये होता है, ये किसके जगह पे लिखा मैंने, ये इसके बदले लिखा। ठीक है, इसके बदले लिखा है। एक काम करो, इस बात को हटा दूं यहां से, इसको थोड़ा ना साइड रख लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है इस बात को लेकर ना, तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ना आई का स्क्वायर का ऐसे वाले करके, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए आइए समझाते हैं फिर। तो हमने क्या बोला, हम बोले कि भाई हम इसको क्या करेंगे, जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट करेंगे, फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, और इसका क्या आ जाएगा आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी रुको आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और नीचे क्या है, नीचे है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और ध्यान रखिएगा पूरे का क्या चाहिए अपने को, रूट चाहिए, जीरो से रूट, पूरे का रूट चाहिए। ठीक, हमने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ये इंटीग्रेशन के तो बाहर आ जाएगा बेटा, ये वाला ये कॉन्स्टेंट है तो, और इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो रूट में फंस जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो बिना रूट का निकलेगा, बिना स्क्वायर का निकलेगा, सही है? और नीचे क्या है, टी। अब टी का क्या होगा, तो हम बोलेंगे टी तो रूट के अंदर रहेगा, टी क्या होना चाहिए, रूट के अंदर। चलिए अब यहाँ पे कौन बच गया, अब जिसका इंटीग्रेशन होना बाकी है, हम बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होना बाकी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, सही है?
इसका इंटीग्रेशन होना बाकी है। इसको रूट क्यों लगा रहा, रूट तो सबसे ऊपर रहेगा ना, ये रहेगा ऐसे। हमने बोला अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे जब आपने बढ़ा तो आपको दिख रहा है कि आई नॉट अपॉन रूट टी है, और यहाँ पे देखो क्या है, साइन स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हो ऐसे, वन माइनस कॉस टू कॉस ओमेगा टी। आयुष याद करो ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ा होगा तुमने, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ सर। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। अब आप बताइए, एक काम करते हैं, ये इसको साथ साथ कैरी करते चलते हैं। हाँ बताइए, यहाँ पे dt आएगा, dt का क्या होता है, t होता है, और cos cos 2 omega t का क्या होगा, sin sin 2 omega t upon 2 omega, बराबर है। और पूरे का जो लिमिट होगा वो होगा t, और यहाँ पे जी पुनीत जहां नहीं समझे वहां पे पूछने का, पुनीत बोलता क्या बोलते भाई लोग। यहाँ देखो पुनीत, मजाक मस्ती नहीं, देख यहाँ पे क्या पुट करोगे, पहले टी पुट कर दे, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप टी पुट करोगे तो क्या आएगा, तो देख क्या किया जाए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ जी, साइन टू ओमेगा टी के जगह पे क्या पुट करना चाहते हो, एक काम करना, ये टू ओमेगा भी कुछ करें, इसका बाहर निकालने की कोशिश करें। हाँ टू ओमेगा बाहर नहीं निकल सकता क्या, एक काम करना टू ओमेगा बाहर, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं करते हैं ना, देखते हैं देखते हैं, यहाँ पे साथ में टू ओमेगा भी आ जाएगा, टू ओमेगा, और यहाँ पे अब है साइन टू ओमेगा टी, ठीक है, साइन टू ओमेगा टी यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल टी पहले लिखेंगे, बाद में क्या करोगे यही चीज का, यहाँ पे जीरो के साथ पुट करना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे साइन जीरो फिर जीरो ही रहेगा, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बहुत कुछ लिखा गया है तो आराम से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बोलेंगे I नॉट, और यहाँ पे हो गया रूट के अंदर टू। अच्छा एक बात होता है, ओमेगा को टू पाई बाई टी लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, रूट टी भी यहाँ से कट गया, चलो बढ़िया काम है, यहाँ पे फोर आया होगा बाहर निकल जाएगा, सही है। अच्छा इस रूट का तो पहले खेल समझ ले, ये क्या है, टू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा की जगह पे क्या लिख दूं, टू टू पाई बाई टी लिख दे, यहाँ पे भी टू पाई बाई टी लिख दे, फिर टू पाई बाई टी, टी कट गया, एक बार रुक रुक मिटा के लिखता हूँ, पुनीत गुस्सा हो जाएगा कि नहीं सर ऐसे तो चलता नहीं, मेरे को तो नहीं जमता। पुनीत ये रहा, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, टी टी यहां से कट जाएगा, अब बताओ साइन टू पाई या फोर पाई क्या होगा, जीरो होता है, तो जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया टू और रूट पाई, और यहाँ पे क्या था पहले से, यहाँ पे पहले था आई नॉट अपॉन टू, और यहाँ पे है रूट पाई, ठीक है, आई नॉट, अरे यहाँ पे तो छूट गया ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा होता है, डिवाइडेड बाई टू भी तो होता है, यही बोल रहे थे ना, हाँ, तो यहाँ पे नीचे टू भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, और नीचे टू आएगा तो मैं रूट टू यहाँ पे लिख देता हूँ, अब देखो रूट टू भी बचा हुआ है, ठीक है, सो रूट टू यहाँ पे बचा हुआ है, अब रूट टू बचा हुआ है तो यहाँ पे केवल रूट टू बच जाएगा, बाकी हर चीजें कट जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट आई नॉट अपॉन रूट टू होता है, यही वैल्यू आपको याद रखनी है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, सिमिलरली वी आर एम एस जो होगा ना वो भी होगा वी नॉट अपॉन रूट टू, बस यही डेरिवेशन है, इसको बहुत प्रॉपरली करो, बोर्ड के लिए तो अगर आप मतलब बोर्ड में तो पूछेंगे ही पूछेंगे आर एम एस वैल्यू डिराइव करके बताओ,